कराची से कि डेंगू के बढ़ते केसेस पर महकमा सेहत सिंध का अहम इकदाम, कोरोना के लिए कायम एसटीओज को डेंगू वार्ड में तब्दील किया जाएगा। तमाम एसटीओज को डेंगू आइसोलेशन वार्ड में तब्दील करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। मरियम हसन हमारी नुमाइंदा इस वक्त हमारे साथ हैं। जी मरियम, आगाह कीजिएगा तफसीलात से। गुज़िश्ता 24 घंटों में कराची में 400 से ज़ायद डेंगू के केसेस जो हैं रिपोर्ट हुए हैं, जबकि प्राइवेट सेक्टर्स का जो डाटा है वो इसके अलावा है। तो महकमा सेहत सिंध ने संगामी सूरत हाल से निमटने के लिए फौरी तौर पर कोरोना के लिए जितने भी एसडीओज कायम किए थे उनको जो है डेंगू वार्ड में तब्दील करने का फैसला किया है, और नोटिफिकेशन जारी करते हुए तमाम कराची के जितने भी सरकारी अस्पताल हैं उनको हुक्म दिया है कि वो आज शाम तक जो है डेंगू कोरोना के एसडीओज को जो है डेंगू वार्ड में तब्दील करें, और डेंगू आइसोलेट वार्ड से मच्छरदानियां समेत जो है अलर्ट जो है वो जारी कर दिया जाए, ताकि मरीजों की जो प्राइवेट सेक्टर में जो जगह नहीं मिल पा रही है तो उनके लिए जो है स्पेस गवर्नमेंट सेक्टर में जो है अवेलेबल हो सके। मरीज सेहत की हिदायत पर डेंगू के मरीजों को तमाम सहूलतें फराहम की जाएंगी, जबकि मुतासर अफराद को प्लेटलेट्स और मेगा यूनिट्स की फराहमी की भी जो है वो कोशिश की जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया मरियम हसन हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। यहाँ सबको सब कुछ चाहिए, फेम और पैसे, लेकिन ये सब होगा कैसे? लेट्स फाइंड आउट, आखिरी खिलाड़ी कौन? सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर वन पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।